नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते हि श्रीहज्जना अन्ने बदरिकाकारा बहिरेव मनोहरा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आपके सवालों का जवाब लेकर, यानी सवाल आपके जवाब हमारे। बड़ी संख्या में आप सभी दर्शकों ने प्रश्न भेजे, आइए एक एक करके उन प्रश्नों का जवाब देना प्रारंभ करता हूं अपने ज्ञानानुसार, यथा योग्य जो मेरी जानकारी है। मैं आइए आपको आपके एक एक सवालों का एक एक करके जवाब देना प्रारंभ करता हूं। नीति शास्त्र कहता है कि नारिकेल समाकारा, नारिकेल कहते हैं नारियल को, नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते हि श्रीहज्जना, सज्जन कैसे दिखाई पड़ते हैं तो नारियल की तरह। अन्य बदरिकाकारा, बदरिकाकारा यानी बैर के समान, बहिरेव मनोहरा, बाकी जो सज्जन नहीं है वो कैसे दिखते हैं तो बैर की तरह, ऊपर से बहुत मुलायम और अंदर उसमें बीज होता है। लेकिन नारियल कैसा होता है तो ऊपर से बहुत कठोर लेकिन अंदर केवल मुलायम ही नहीं जल भी भरा होता है। तो ये नीति शास्त्र कहता है कि अगर सज्जन व्यक्ति की पहचान करनी है तो बस इतना ही ध्यान रखिए कि वो ऊपर से सदैव कठोर दिखाई पड़ता है। कठोरता ऊपर से है तो उसे बुरा मत समझिए, ये सज्जन व्यक्ति की पहचान है। क्योंकि शास्त्र क्या कहता है, अन्य बदरिकाकारा जो मीठा मीठा बोलते हैं वो बैर के समान है, ऊपर से तो बड़े मुलायम लेकिन अंदर दांत बीए पर पड़ जाएगी, बीज पर पड़ जाएगा। प्रायः आप सभी जप करते हैं घर में, मंत्र जप करते हैं माला पर, और जप करने के बीच में कई बार माला हाथ से छूट के गिर जाता है, कई बार आप उसमें बीच में बोल बैठते हैं, और कई बार पैर पर माला गिर जाए। तो शास्त्र कहता है कि प्रमादात पतिते सूत्रे, प्रमादवशात माला के जप में यदि आप बोल बैठें तो जपेत अष्टोत्तरम शतम, तो उसमें आपको बस इतना ही करना है कि फिर से 108 बार की संख्या पूर्ण जप लेनी है, और माला हाथ से छूट करके जपमाली में ही गिरे तो फिर उसे आप पुनः एक बार शुरू करके जप सकते हैं। लेकिन अगर पैर पर माला गिर जाए, इसीलिए गौमुखी इत्यादि में माला रख करके जप करनी चाहिए, पैर इत्यादि पर गिर जाए तो माले को धोकर और पुनः अष्टोत्तरम शतम द्विगुणम, अष्टोत्तर शत के हिसाब से 108 दो बार माला जप करने से ही जाकर के आपके जप का पुण्य मिलता है। वहीं शास्त्र कहता है कि माला जप करते समय माला का टूट जाना, माला टूट जाए ये बिल्कुल अशुभ सूचना है, ये शुभ नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न लेना प्रारंभ करते हैं। सबसे प्रथम प्रश्न नितिन जौहरी जी का, इन्होंने पूछा है कि गणेश चतुर्थी आने वाली है उस पर भी मार्गदर्शन करें। बहुत सुंदर समय आ रहा है, गणेश जी के अनुकंपा का समय आ रहा है, और आपको मैं बता दूं, बार बार कहता हूं, कलौ चंडी विनायकौ, इस कलिकाल में अगर कृपा देखनी है तो जरा देखिए, मुंबई वासियों के ऊपर गणेश जी की कृपा साफ साफ दिखाई पड़ती है, लक्ष्मी जी की वहां बड़ी कृपा है। अतः गणेश जी की आराधना का ये समय है, चतुर्थी के समय से प्रारंभ करके आप 5 दिन तक 7 दिन तक 10 दिन तक जो आपकी इच्छा हो 3 दिन तक भी आप कर सकते हैं, आप गणेश जी की आराधना करिए। क्या करना चाहिए, बस सामान्य हो सके तो घर में गणेश जी की मूर्ति ले आइए, और नित्य गणेश जी को जो षोडशोपचार पूजन की विधि मैंने पूर्व में बताई हुई है, उसी पूजन विधि से षोडशोपचार उनका पूजन करिए। अगर मूर्ति जो है चीनी मिट्टी इत्यादि का है, अगर किसी धातु का है तो जो प्रतिमा है उसे आप पात्र में रख करके और भगवान गणेश का दुग्ध से अभिषेक कीजिए। क्या बोलना है, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करते हुए, गणेश स्तोत्र सतनाम का पाठ करते हुए, ओम गणपतये नमः बोलते हुए, या गणेश जी को दूर्वा सबसे ज्यादा प्रिय है, लावा लाजा धान का जो लावा होता है वो बहुत प्रिय है, लावा से भगवान का अर्चन, गणेश जी का अर्चन करने से यश की प्राप्ति होती है, दूर्वा चढ़ाने से, मोदक चढ़ाने से, तो जो आपके पास सुविधा से उपलब्ध हो, 1000 लड्डू अगर उपलब्ध हो तो गणेश जी के 1000 नाम के साथ 1000 लड्डू गणेश जी को अर्पित करिए, दूर्वा अगर उपलब्ध हो तो 1000 नाम के साथ गणेश जी को 1650 पूजन करने के बाद 1000 दूर्वा गणेश जी को अर्पित करिए, अथवा आपके पास लावा है तो धान का लावा जो होता है उसे लेकर के और आप गणेश जी के 1008 नाम से उन्हें अर्पित करिए, और फिर देखिए एक वर्ष तक कृपा उनकी लगातार, वैसे तो उनकी थोड़ी सी आराधना कर देने से कृपा बनती है लेकिन 1 साल तक आप उनकी कृपा प्राप्त करते रहेंगे।
यही प्रश्न सुंदरम अग्निहोत्री जी का भी था कि गणेश चतुर्थी के समय में कुछ ऐसा बताइए सरल तरीका जिससे हमें उनकी कृपा प्राप्त हो। तो जैसे मैंने कहा कि षोडशोपचार पूजन करके कम 3 दिन करना चाहते हैं, तो अच्छा गणेश जी का अगर 1008 नहीं करना चाहते तो अष्टोत्तर शत नाम भी, 108 नाम भी है, तो 108 नाम से भी आप लड्डू दुर्वा इत्यादि चढ़ा करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सुंदरम अग्निहोत्री जी का एक और आगे प्रश्न था कि भगवान की आरती करने से पहले आरती को आचमन कराना चाहिए या आरती के बाद। आरती के बाद जले न शीतलीकरणम, जल जब पात्र भी पूजन के समय में वहां प्रत्येक वस्तु भगवान ही के समान होती है, तो उसमें जिसमें आप दिया जला रहे हैं वो जल करके गर्म हो जाता है, तो जले न शीतलीकरणम, शीतल करने के लिए जल छोड़ा जाता है बाद में। अखिल तिवारी जी ने पूछा है कि अभी आश्विन मास में पितृपक्ष आ रहा है, इसके बारे में बताइए कि श्राद्ध क्या है, कैसे करना है। सभी आप सभी जानते हैं पितृपक्ष का महीना करीब में आ गया है, और इस दौरान आप सभी, क्योंकि यहां एक और प्रश्न है, पहले इसको भी ले लेता हूं, एक दोनों का प्रश्न एक जैसा है। नितेश कुशवाहा जी ने पूछा है कि हमारे हिंदू धर्म में गया श्राद्ध का महत्व ज्यादा है, ऐसा क्यों माना गया है। गया को विष्णुपुरी भी कहते हैं, विष्णु नगर भी कहते हैं, मोक्ष का धाम माना गया है, और वहां पर पितरों के श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा केवल ऐसी मान्यता ही नहीं, वर्ण शास्त्रों में भी इसका प्रमाण है। तो वो जगह अपने आप में सर्वाधिक श्रेष्ठतम स्थान है, विष्णु पद में पितरों को जगह मिल जाता है, इसीलिए गया में गया श्राद्ध का विधान बनाया गया है। इन्होंने पूछा है कि दूसरे किसी जगह श्राद्ध पूजा नहीं करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए आप गया से बहुत दूर है, नहीं आ सकते, तो आप अपने यहां ही कर लीजिए। गया श्रेष्ठतम स्थान है। जैसे अगर आप द्वादशो ज्योतिर्लिंग नहीं पहुंच सकते तो क्या शिवजी की पूजा नहीं करेंगे? जहां है वहीं करिए, तो आप वहीं कर सकते हैं, लेकिन एक श्रेष्ठ धाम की बात हो, स्थान की बात हो, तो वो गया जी है, वहां जाना चाहिए। अब अखिल जी ने जो पूछा कि आश्विन मास में पितृपक्ष आ रहा है, तो पितृपक्ष में पितरों की कृपा प्राप्त्यर्थ अगर जो लोग छोटे हैं वो तो नहीं, अगर उनके माता पिता जीवित हैं तो उन्हीं को करना चाहिए पितरों का तर्पण। प्रायः मैं बार बार कहता हूं, मैंने अपने गुरु जी को देखा है, मैं अपने जीवन काल में उनको देखा कि प्रायः लोगों को करते देखा कि जिस दिन, और बड़े बड़े ज्ञानियों को भी मैंने देखा कि अपने जिस दिन उनका उनकी तिथि पूरी हो जाती है इसके बाद छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने अपने गुरुजी को देखा कि तिथि वाले दिन ब्राह्मण भोजन इत्यादि कराने के बाद वो बाकी के 15 दिन भी तर्पण करते थे, और मैं अपने आंखों से पितृ कृपा का प्रभाव उनके जीवन काल में मैंने देखा। उनके बारे में मेरे पिताजी और मेरे गुरुजी मित्र थे, मुझे उनके बारे में जानकारी थी कि घर से कुछ भी लेकर के नहीं आए थे, अपने घर से जब वो वाराणसी आए थे कुछ भी नहीं उनके पास था, और आज पितरों की कृपा है उनके पास, कहना नहीं है कि क्या क्या नहीं है, हर सुख सुविधा से वो संपन्न, ये सब पितरों की कृपा से है। तो 15 दिन तक, कम से कम साल भर में यही तो एक 15 दिन है जो आपके पितरों का है, जिनके चलते आप इस धाराधाम पर हैं, तो कम से कम ये 15 दिन उनको समर्पित कर दीजिए, सब कुछ छोड़ छाड़ करके केवल और केवल पितरों के लिए समय रखिए। इस 15 दिन तक अगर आपके पास नदी नहीं है कोई, घर में कर लीजिए, घर में करने का विधान है, घर में कर सकते हैं, घर में करके आपको इसका लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद नूतन जी का प्रश्न है, पूछा है सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं तो वृश्चिक राशि में क्यों नहीं। सूर्य मेष राशि में उच्च के क्यों होते हैं, पहले तो ये जान लीजिए मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि है। सूर्य कौन? अग्नि तत्व। और मेष राशि कौन? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व में अग्नि तत्व का ग्रह बैठेगा तो सीधी सी बात है उसे उच्चता प्राप्त हो जाएगी, उसे उच्चता प्राप्त हो जाएगी। जबकि वृश्चिक राशि जल तत्वीय राशि है, जल तत्वीय राशि में अग्नि आकर के उच्चता को कैसे प्राप्त करेंगे, तो सीधी सी बात है कि मेष राशि में ही वो उच्च के हो सकते हैं। ये कालू अदुच्या नाम में गलती हो सकती है ने पूछा है कि कुंडली में नीच के ग्रह क्या फायदा देते हैं, अगर देते हैं तो कितनी उम्र के बाद वो फायदा देते हैं। और ललिता बिष्ट जी ने पूछा है कि दशा और अंतरदशा का क्या मतलब है। दोनों लोगों के सवाल को एक साथ ले लिया हूं, बता देता हूं कुंडली में नीच के ग्रह के बारे में। पूर्व में यहां कई लोगों को, जो मेरे पुराने दर्शक हैं, उनको ऐसा लगेगा कि ये सवाल के जवाब में पूर्व में भी कई बार दिया हूं, लेकिन देखिए जब हम एक ही परिवार के सदस्य हों और वहां एक ही परिवार में जब कोई बार बार कोई बात पूछे तो उनको तो छोड़ नहीं सकते ये कह के, नहीं हम सामने वाले को बता चुके हैं तुमको नहीं बताएंगे,
तो उन्हें नहीं छोड़ सकते, वो भी मेरे दर्शक हैं। इसीलिए हो सकता है आप लोगों को लगे कि मैंने ये सवाल का जवाब पूर्व में दिया है, लेकिन अब इन्होंने पूछा, ये नए दर्शक हैं तो इनको जवाब तो देना पड़ेगा। तो आपको मैं बता दूं कि नीच ग्रह होने का अर्थ है वो ग्रह उदासीन है। अभी मैंने कुछ दिन पूर्व ही बुध के बारे में आपको बताया था कि बुध नीच भी हो, तो मैंने कई जगह लोगों के ऊपर इसको प्रमाणित किया है, बुध का रत्न धारण करा करके उन्हें लाभ मिला, कोई दिक्कत नहीं। ग्रह वहां पर उदासीन है, और याद रखिए कि कोई भी ग्रह एक विशेष, जो इन्होंने दूसरा ललिता विष्ट जी ने प्रश्न किया है कि दशा और अंतरदशा का क्या मतलब होता है, तो एक साथ इसीलिए ले लिया क्योंकि दशा और अंतरदशा में उस ग्रह का विशेष प्रभाव मिल जाता है। ग्रह कोई पापक ग्रह है, कोई शत्रु राशिस्थ है, अथवा कोई ग्रह कुंडली में नीच राशि में है, उच्च राशि में है, तो उसके प्रभाव का विशेष समय होता है उसकी दशा और अंतरदशा। लेकिन अगर कोई ग्रह नीच का है, शत्रु राशिस्थ है, तो प्रतिदिन उसके प्रभाव मिलते रहते हैं, क्योंकि प्रतिदिन दशा अंतरदशा, इसके बाद प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा, प्राणांतर दशा, प्रतिदिन हर थोड़े थोड़े समय पर बदल रहा होता है, तो वहां पर आपको उसका प्रभाव मिलता रहता है। कुलदीप कुमार जी ने पूछा है कि भगवान शिव की जटाओं में चंद्र है, सूर्य का स्थान कहां है? उनकी आंखों में है, नेत्र जो आप देखते हैं, तीसरा नेत्र उनका जो है, तो तीसरा नेत्र अग्नि है, वही भगवान सूर्य है। रुमकी अधिकारी जी ने पूछा है कि राहु की महादशा में गणेश जी को 21 दुर्वा अर्पित करने से राहु के बुरे प्रभाव खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि गणेश जी की अगर आराधना की जाए तो गणेश जी की आराधना से राहु और केतु जनित कितने भी दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव क्यों न पड़ रहे हों, वो शांत हो जाते हैं, तो निश्चय ही उसका लाभ मिल जाएगा। दीप शाह जी ने पूछा है कि हम सूर्य नारायण की पूजा आराधना करते हैं तो गायत्री मंत्र क्यों बोलते हैं? सीधी सी बात है कि राजा की आराधना में तो राजा ही सम्मिलित हो सकता है, राजा की सभा में, राजा के काम में राजा ही का हाथ बटेगा, तो मंत्रों में राजा कौन? वेद माता मां गायत्री, तो उन्हीं के मंत्र से राजा के, ग्रहों के राजा की आराधना की जाएगी। हालांकि इसके पीछे और भी बहुत सारे तर्क हैं, भविष्य में मैं इस पर भी कभी एक वीडियो बना करके प्रकाश डाल दूंगा। रणधीर तिवारी जी ने पूछा है कि वेद, वेदांग, शास्त्र, उपनिषद और पुराण, इन सब में क्या अंतर है, इनकी रचना का कारण क्या है, और क्या गरुड़ पुराण को वैसे ही घर में पढ़ा जा सकता है? और अक्षय वर्मा जी ने पूछा है कि वेद और पुराण का अर्थ क्या है? राम दीवानी जी ने पूछा है कि वेदों की उत्पत्ति कहां से हुई? वेद किसी देवता द्वारा लिखित है या मानव द्वारा, या वेदों की मूल प्रतिलिपि अभी भी उपलब्धता का कोई प्रमाण है? सबसे पहले राम दीवानी जी से शुरू करते हैं। वेद की उत्पत्ति के लिए वेदो नारायण साक्षात, वेद का जो ब्राह्मण है वहां साफ ये बात लिखा है कि वेद स्वयं साक्षात नारायण है। इसका प्रमाण अगर आप देखें तो कृष्ण यजुर्वेद, इसका जीता जागता प्रमाण है। कहानी बताऊंगा, थोड़ा लंबा समय लग जाएगा, तो इतना ही कहूंगा कि शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद, वेद जीवित मंत्र हैं, शक्ति है उनमें, इसका सीधा प्रमाण, कभी कहानी इसकी है मैं बता दूंगा। तो एक बात तो ये हो गई, दूसरा आपने कहा कि इस किसी देवता के द्वारा लिखी गई, ये किसी देवता के द्वारा नहीं लिखी गई, भगवान विष्णु की नासिका से इसे उद्धृत माना जाता है। और साफ शब्दों में मैंने कहा कि वेदो नारायण साक्षात, भगवान नारायण ही वेद हैं। तीसरा, ये इसकी मूल प्रतिलिपि हो नहीं सकती क्योंकि ऋषियों ने इसको देखा, किसी को इसे इसने लिखा नहीं पाया, उन्होंने इसे देखा, इसीलिए वेद के मंत्रों के साथ द्रष्टा लिखा जाता है, न कि उसके बनाने वाले का नाम, द्रष्टा, इन मंत्रों को देखा। अब इसके बाद ऊपर हम बढ़ जाते हैं, वेद और पुराण का अर्थ क्या है? तो वित्त धातु से बना है वेद, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला, और पुराण जो पुराना है, पुरातन है। मैं आपको सामान्य शब्दों में कहूं तो वेद बड़े क्लिष्ट थे, कठिन थे, और आम जन को वेदों का निचोड़ कैसे प्राप्त हो, कैसे वो समझें, तो इसी के लिए पुराण को बनाया गया ताकि आम जन भी उसको जान सकें। अब यही बात ऊपर भी पूछा है रणधीर तिवारी जी ने, इन्होंने एक सवाल विशेष रूप से पूछा है कि गरुण पुराण को वैसे ही घर में पढ़ा जा सकता है? बिल्कुल पढ़ा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि गरुण पुराण केवल घर में किसी की मृत्यु हुई हो तभी पढ़ा जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कभी पढ़ा जा सकता है। अब एक और सवाल इन्होंने पूछा था, वेद और वेदांग, तो वेद आगे एक जने का और सवाल है, तो मैं आपको बता दूंगा कि वेदांग क्या क्या है। तो वेद, वेदांग और उपनिषद, अब उपनिषद के बारे में भी अलग, पुराण के बारे में भी अभी आपको बता दिया, ये सब अलग अलग है, और आपको मैं बता दूं कि मूल में कहीं ना कहीं वेद है। सुभाष वर्मा जी ने पूछा है कि घर के कुल देवता और घर के भगवान एक साथ क्यों नहीं रखा जाता? देखिए,
आम तौर पर प्रथा क्या है, प्रथा को जरा ध्यान से समझिए। तो कुल देवता इत्यादि की पूजा कभी विशेष समय पर, घर में विवाह हुआ, होली इत्यादि समय जब आता है, दशहरा इत्यादि आता है, तब उनकी पूजा होती है, इसीलिए उनका अलग स्थान लोग प्रायः बनाने लगे। और जो देवता होते हैं उनकी पूजा रोज होती है। अब एक ही जगह पर हो और एक जगह पर रख करके एक की पूजा करो एक की ना करो, जैसे पितृपक्ष, आप चाहें तो प्रतिदिन अपने पितरों के की पूजा कर सकते हैं, दिया बत्ती इत्यादि दिखा सकते हैं, लेकिन ये जो समय आ रहा है पितृपक्ष का, ये विशेष समय है। इस समय में पितरों की आराधना सबको करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। एक दूसरा, अब ये जो आपने कहा कुल देवता, तो कुल देवता इत्यादि की पूजा कुछ विशेष समयों पर, क्योंकि वो कुल के देवता हैं और कुल में कुछ जब विशेष हो, बच्चे का जन्म हो, कोई व्रत त्यौहार विशेष रूप से आए, तो कुल के देवता की पूजा होती थी। अब उनको इसीलिए अलग एक जगह बना करके दे दिया गया, ताकि रोज रोज अगर एक साथ ही रहेंगे और उनकी पूजा नहीं होगी तो भी बुरा होगा, सो इसीलिए उनको अलग स्थान दिया गया। यहां पर अगला प्रश्न है हिम शिखा जी का, इन्होंने पूछा है कि सूर्य और मंगल देव ग्रह होते हैं, फिर भी सप्तम भाव में बुरा प्रभाव क्यों देते हैं। और अनु सिंह जी ने पूछा है कि क्या सूर्य सातवें घर में हमेशा खराब ही होते हैं। देखिए, सूर्य और मंगल देव ग्रह हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों, विशेष रूप से सूर्य विच्छेदात्मक ग्रह है, वृद्ध ग्रह है, अर्थ विच्छेदात्मक ग्रह है। और सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव जोड़ने का घर है। अब जोड़ने के भाव में विच्छेद कराने वाला ग्रह बैठ जाए, उसकी दृष्टि पड़े तो वो क्या करेगा? विच्छेद उत्पन्न कर देगा। इसीलिए यहां पर उनका प्रभाव थोड़ा सा, क्योंकि वो अग्नि है, धधक रहे हैं, और वो भाव ऐसा है जो सबसे शीतलता ज्यादा ढूंढता है। अब ये ग्रह जब जाते हैं तो वहां उग्रता। मंगल क्या है? मंगल है सेनापति, क्रोध, पराक्रम। अब पराक्रम का तो वो स्थान है नहीं, पराक्रम का स्थान तो कहीं और है, वो तो प्रेम का भाव है। अब प्रेम में पराक्रम क्या करेगा? तो इसीलिए ये सब ग्रह जब वहां पर जाते हैं तो वहां पर परेशानी शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। ये रामफल जी हैं, इन्होंने पूछा है कि जब हम गुरु जी से गुरु मंत्र लेते हैं और जो गुरु जी हमें मंत्र देते हैं वह सिद्ध किया हुआ मंत्र होता है, जब हमें गुरु मंत्र मिल गया तो हम और मंत्रों का जप करते हैं और उसके साथ साथ गुरु मंत्र का भी एक दो माला जरूर जपते हैं, तो क्या गुरु मंत्र से अलग मंत्र नहीं जपना चाहिए? देखिए, मान लीजिए आपके गुरु जी ने नारायण मंत्र दे दिया, आपके गुरु जी ने शिव जी का मंत्र दे दिया, आपके गुरु जी ने राम जी का मंत्र दे दिया, जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहें तो अलग से कोई मंत्र मत जपिए, काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी श्रद्धा है, आपकी इच्छा है, हां मैं बार बार कहूंगा कि गुरु मंत्र वो मंत्र है जो मंत्र एक बार लगातार व्यक्ति जपना शुरू कर दे तो चूंकि गुरु जी ने सिद्ध कर लिया था, तब उन्होंने आपको दिया, अब आप उस मंत्र को जपेंगे तो एक तरह से समझ लीजिए कि जहां तक गुरु जी पहुंच चुके हैं, बस आपको थोड़े से प्रयास से उससे ऊपर जाने का रास्ता मिल जाएगा। अतः गुरु मंत्र सर्वाधिक श्रेष्ठ है। लेकिन हम आम जीवन में जी रहे हैं, अतः बाकी के देवी देवताओं का मंत्र इत्यादि जो होता है उसे भी जपना चाहिए, बिल्कुल सब कुछ न छोड़ दे एक गुरु मंत्र जप करके। बाकी अगर ऐसा आप मुझसे पूछें कि क्या जपना जरूरी है, तो मैं कहूंगा जरूरी नहीं, गुरु मंत्र ही सर्वाधिक श्रेष्ठतम मंत्र हो जाता है। ये धर्मेश शर्मा जी ने पूछा है कि गर्भ में जब बच्चा होता है तो उसके अंदर जीव 4 या 5 महीने में आता है, तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जन्म की राशि जिस दिन वो पैदा होता है वो क्यों लेते हैं, जबकि उसमें तो 5 महीने में ही जीव आ गया होता है, पहले दिन से ही होता है। 3रे महीने में लिंग निर्धारण होता है, जीव तो उसमें पहले दिन से ही आ जाता है, जीव आने के लिए समय नहीं। अब क्या है कि आज के समय में हमारे पास गर्भाधान संस्कार जैसी कोई बात तो है नहीं। गर्भाधान संस्कार हो, पहले के अगर समय में देखें तो कई सारे इसके प्रमाण उपलब्ध हैं आपके लिए, कई सारे महाभारत में इसका प्रमाण उपलब्ध है। तो गर्भाधान संस्कार के ही समय के ग्रह नक्षत्र देखे जाते थे कि ये वो काल बीत रहा है जिस समय अगर गर्भाधान करा दिया जाए तो जन्म लेने वाला बालक तेजस्वी होगा, तो वो समय होता है। अब हमारे पास विकल्प है नहीं, तो दूसरा विकल्प क्या है? जब बालक का दूसरा जन्म हो। अब वो दूसरा जन्म कौन सा? एक तो माता पिता की संधि से वो गर्भ में जन्म लिया या गर्भ में बना, पिंड रूप में आया, पिंड से वृद्धि लेते लेते मां के भोजन इत्यादि से सिंचित होते 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 जब वो धरा पर आया तो हमारे पास दूसरा वही विकल्प उपलब्ध था। निश्चय ही ये दूसरा विकल्प कमजोर है, निश्चय ही कमजोर है, लेकिन हमारे पास विकल्प नहीं है, मजबूरी है हमारे पास कि विकल्प नहीं है, अन्यथा गर्भाधान के समय में ही उसकी राशि इत्यादि सब तय होनी चाहिए। लेकिन नहीं, तो जब वो धरती पर आया
उस समय के काल इत्यादि को देख करके उसकी राशि और सब कुछ तय की जाती है। उस समय ग्रहों का जो प्रकाश उस पर पड़ता है उसी के अनुकूल उसका स्वभाव, उसका प्रभाव इत्यादि भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऋषि पंड्या जी ने पूछा है कि आजकल असली चंदन मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, मिलता भी है तो 10,000 रुपये किलो आता है, ऐसे में क्या बाजार से ली गई डुप्लीकेट चंदन की 10 रुपये की डिबिया से भगवान को तिलक करना उचित है? बिल्कुल उचित है। अगर आपको 10 रुपये ही मिलता है, अब जरा सोच लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको कपड़ा लेना हो और 10,000 रुपये का होगा तो आप अगर छोड़ देते हैं यानी आपके पास नहीं है तो निश्चिंत हो जाइए कि भगवान 10 रुपये तो बहुत ज्यादा है, 10 पैसे के चंदन से संतुष्ट हैं, 10 पैसे के चंदन से संतुष्ट हैं। लेकिन अगर ये 10,000 रुपये किलो का चंदन बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि 1 केजी चंदन की आपको आवश्यकता पड़ती नहीं है, मामूली एक सामान्य सा 200-250 रुपये में आ जाता है। लेकिन आपने प्रश्न बड़ा गंभीर पूछा, ये गंभीर इसलिए कि इस तरह जहां हम 10,000 बड़ी सरलता से अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं तो भगवान के लिए 10,000 जब भारी पड़ रहा है तब तो फिर आप न चढ़ाएं, ज्यादा बेहतर चढ़ाएं तो आपके पास अगर उतने की क्षमता है तो 10 पैसे वाली चीज से भी प्रकृति संतुष्ट है। उसे क्या चाहिए, उसे क्या चाहिए, क्या लेना आपके चंदन से, उसको उसको क्या लेना, लेकिन है तो चढ़ाइए। ये सवाल सर्वथा गलत है, आप अपने लिए तो छोड़ते थोड़े हैं, चढ़ाइए भगवान को। और धवल भट्ट जी ने पूछा है कि महादेव को कुमकुम पूजा में चढ़ाया जा सकता है? नहीं, भगवान शिव को सफेद चंदन चढ़ाना चाहिए, सफेद, वो कर्पूर गौरम कैसे हैं, श्वेत हैं, तो उन्हें सब कुछ श्वेत श्वेत ही, तो कुमकुम लाल नहीं, सफेद चंदन आप जरूर उन्हें चढ़ाइए। मानवेंद्र मिश्र जी ने पूछा है कि मैंने निर्णय सिंधु में पढ़ा है कि जनेऊ नाभि से ऊपर हो तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है और यदि नाभि से नीचे हो तो तप क्षय होता है, बिल्कुल ठीक, परंतु आजकल अधिकांश जनेऊ लंबे होते हैं तो क्या उनमें गांठ लगाकर नाभि के बराबर रखा जा सकता है? देखिए, यज्ञोपवीत में, या फिर उन्होंने लिखा है कि गले में उसको लपेट सकते हैं, नियम तो यह कहता है कि यज्ञोपवीत में अलग से गांठ नहीं लगानी चाहिए, गले में लपेटने का भी कोई औचित्य नहीं बनता, तो या तो लोगों को खुद यज्ञोपवीत बनाना आता हो और मध्य कटी भाग के बीच में ही वहां पर रखे, लेकिन अगर नहीं बनाना आता तो फिर मजबूरन आप उसमें गांठ लगा लीजिए और गांठ लगा करके ही रखिए, क्योंकि और सारे दोषों से अच्छा है गांठ लगा करके रख लेना। नीरज वर्मा जी ने पूछा कि कुंडली में विंशोत्तरी दशा में ऊपर भोग्य काल दिया जाता है, वो क्या है? वो है जो अब आपको भोगना है, जो अब आपको भोगना है, दशा का भोग्य काल जो बाकी बचा हुआ है वो भोग्य काल, उसी के बारे में बताया जाता है कि जन्म से पहले इतना समय बीत गया ये आपका भोग्य काल है, वो आपको भोगना है उसको। आगे बढ़ते हैं। वैभव शर्मा जी ने पूछा है कि मृत संजीवनी मंत्र पर प्रकाश डालें कैसे ये बुरे प्रारब्ध का शमन करता है? मृत संजीवनी मंत्र, यहां मैं बोलूंगा तो नहीं उसको, लेकिन बता देता हूं कि गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र, इन दोनों को जोड़ करके बनाया जाता है मृत संजीवनी मंत्र। बहुत उच्च कोटि का मंत्र है, नाम से ही प्रतीत होता है कि मृत मरे हुए को संजीवनी देने के समान है, जहां पर कुछ न हो रहा हो बिल्कुल। ये शुक्राचार्य ने इस मंत्र का प्रयोग किया था और अपने राक्षसों को जीवित कर लिया था, तो मृत संजीवनी मंत्र के प्रयोग से बहुत लाभ पाया जा सकता है। रोग इत्यादि किसी को हो, भयंकरतम रोग से पीड़ित हो, या डॉक्टरों ने तक जवाब दे रखा हो, तो वहां इस मृत संजीवनी का प्रयोग कराया जाता है। कठिन है, बड़ा है, लंबा है, और इसको करने के लिए जानकारी होनी चाहिए, याद पहले तो इसको करिए। हाँ, कठिन क्या है कि महामृत्युंजय और गायत्री को बस जोड़ के बनाया जाता है, बहुत कठिन भी नहीं है, जिसको याद किया जाए तुरंत याद हो जाए, तो करा जाए इसको। तो किसी भी तरह के मृत संजीवनी, महामृत्युंजय मंत्र को आप सभी जानते हैं, मृत्यु पर विजय दिलाने वाला गायत्री मंत्र सर्वोच्च मंत्र है, दोनों का समन्वय, अब इसमें एक साथ हो जाए तो सर्वाधिक श्रेष्ठतम तो होना ही होना है। जितेंद्र विग्रवाल जी ने पूछा है कि क्या भगवान सूर्य को जल चढ़ाते समय भी पैरों के नीचे आसन होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। आजकल प्रायः लोग क्या करते हैं, किसी गमले इत्यादि में छत पर जाकर के जल अर्पित करते हैं तो आसन इत्यादि होता नहीं, जबकि नियम कहता है कि कोई भी पूजा पाठ करें, कोई भी जप तप इत्यादि करें, आपके नीचे आधार होना चाहिए, साधार होकर के ही आपको जप पूजा करना चाहिए, उसी का फल प्राप्त होता है। तो नियम तो यही है कि आसन वहां भी होना चाहिए, आधार पर ही खड़ा होकर के अर्घ इत्यादि देना चाहिए। अभिषेक मृत्युंजय जी ने कहा, लिखा है कि यदि स्वप्न में विकट परिस्थितियों में अपने आप को चारों ओर से घिर करके मरता हुआ देखें
और डर के आंख खुल जाए तो क्या फल होता है। और साथ ही साथ इन्होंने लिखा है कि यदि हम अपने माता पिता को कभी स्वप्न में स्पष्ट तो ना देखें परंतु उनका आभास करें तो इसका अर्थ क्या है। स्पष्ट नहीं ही दिखता है, मैं आपको बता देता हूं कि आप जिसको बहुत प्रेम करते हो उसका चेहरा आप कभी सपने में नहीं देख पाएंगे। प्रायः जिसको बहुत प्रेम करते हो उसका चेहरा आपको सपने में कभी दिखाई नहीं पड़ेगा, उसे आप देखेंगे उसका आपको आभास होगा लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा। एक दूसरा, सपने में अपने आप को विकट, अब किस तरह की विकट आपने ये नहीं लिखा क्योंकि सपने में विकट हो सकता है, घोर अंधकार कमरे में आपको अपने आप को आपने देखा, दलदल में फंसा देखा, कीचड़ में फंसा देखा, धुएं में फंसा देखा, कहां देखा, ये विकट परिस्थिति क्या है। अगर विकट परिस्थिति कोई ऐसा चीज है तो ये कष्ट का सूचक है, ये कष्ट सूचक है। अपने आप को मरा देखना तो बुरा नहीं है, मरा देखना बुरा नहीं है, लेकिन सपने में अपने आप को विकट इस तरह की किसी परिस्थिति में देख रहे हैं तो यह परेशानी का सूचक है। इन्होंने आगे जो लिखा है कि यदि अपने मृत माता पिता को कभी स्वप्न में स्पष्ट न देखें परंतु उनका आभास करें तो इसका क्या अर्थ है, क्या वे अतृप्त है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, मेरा अपना अनुभव रहा है कि जब पितृ कभी आपसे भूख हो, उनको कोई जरूरत हो तो सीधा सीधा मांगते हैं, मैंने उनको मांगते देखा है, तो ये हो सकता है कि वो आपसे मांग करने लगे, मांग लें कि मुझे ये चाहिए, मुझे भोजन लगी चाहिए होगी, भूख लगी है इत्यादि मांग। लेकिन अगर सामान्यतया दिख रहे हैं, अतृप्त नहीं है, अगर आपने ये लिखा होता तो पता चलता कि चेहरा इत्यादि उनका अगर दिखा, अगर चेहरे पर भाव, हालांकि वो दिखते ही नहीं, मैंने क्या कहा जिससे हम अधिक प्रेम प्रेम करें उसका चेहरा स्वप्न में नहीं दिखता है। प्रसन्नजीत आनंद जी ने लिखा है कि क्या किसी पापक ग्रह की महादशा में उसका रत्न धारण करना चाहिए, अगर वो पापक ग्रह आपके लिए कारक है तो आप उसका रत्न अवश्य धारण कर सकते हैं। महेश दुगाने जी ने लिखा है कि अगर आप बताते हैं आत्मा कमजोर है तो सूर्य की पूजा करें, पर अगर कुंडली का कोई भी भाव कमजोर हो तो हम सिर्फ भगवान शिव की पूजा, माता पार्वती की पूजा क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, आपको किसी ने रोका, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लोगों को थोड़ा बदल बदल के चाहिए होता है, इसीलिए उनको कुछ ग्रहों को भी बताया जा रहा है और वो लोग कर रहे हैं, अन्यथा जरूरत नहीं है अलग अलग भटकने की। एक एक साधिए, एक साधे सब सधे, आप भगवान शिव की आराधना करिए, बाकी आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मनोज तालन जी ने लिखा है कि अच्छे गुरु ना मिलने पर गुरु किसे माने, क्या भगवान को मान सकते हैं। पहले तो मन में श्रद्धा रखिए, अच्छे गुरु मिल जाएंगे, क्योंकि गुरु अच्छे या बुरे हम थोड़े इसका प्रमाण निकालेंगे कि गुरु अच्छे हैं कि बुरे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप अच्छे बुरे की बात करते हैं तो उस अवस्था में आप भगवान शिव को, हनुमान जी को, अमर हैं हनुमान जी को अपना गुरु मान लीजिए, उनको गुरु मान करके आप उनसे सारी बातें कह सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, जवाब देंगे वो, बस उस श्रद्धा से बात उनसे होनी चाहिए, जवाब दे देंगे, उन्हें अपना गुरु बना लीजिए। पवन कुमार नामदेव जी ने पूछा है कि आज के समय में आमदनी का 50% डॉक्टरों की फीस, दवाई, चेकअप में लगता हो तो व्यक्ति ऐसा क्या उपाय करे कि उससे राहत मिल जाए, और ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिससे उसका पैसा कमाई सर डॉक्टर लोग लेते रहते हैं, इस समस्या का निदान बताइए। सबसे पहले तो बता दूं, शास्त्र कहता है कि विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनमाप्नोति, धनात् धर्म ततः सुखम। पहले आपको विद्या लेनी होती है, विद्या से विद्या ददाति विनयम, विनय आपके अंदर आ जाता है, आप विनयशील हो जाते हैं। विनयात याति पात्रताम, जैसे ही आपके अंदर विनय आता है आप पात्र हो जाते हैं, समाज में आपकी पूजा होने लगती है। पात्रत्वाद धन मापनोति, पात्रता से धन आता है, धन से धर्म होता है, सुनिए इस चीज को, धनात् धर्मम ततः सुखम, धन से धर्म और धर्म से सुख होता है। लेकिन पहले हम क्या करते हैं कि धन आए इसके लिए भगवान की शरण में चले जाते हैं, और धन आने के बाद बाकी के कामों में धर्म भूल जाते हैं, तो सुख कहां होगा। तो सीधी सी बात है, आपका धन कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो एक रास्ता है कि धन जब आए तो धन से धर्म करिए, धर्म से सुख मिलेगा। अब डॉक्टरों के यहां ना जाए तो वो डॉक्टर भी आजकल बहुत पूजा पाठ कराने लगे हैं कि थोड़ा आमदनी कम हो रही है, तो भाई भगवान की कृपा, तो वो भी उनके बच्चे हैं, उनके ऊपर भी तो कृपा होगी। आखिर वो जब मान लीजिए कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप पूजा करते हैं तो आपके यहाँ लक्ष्मी जी आती हैं, डॉक्टर लोग भी लक्ष्मी जी प्राप्ति की कृपा के लिए उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं, वो भी ज्योतिषियों के यहाँ आ रहे हैं, तो आखिर उनके ऊपर भी तो लक्ष्मी जी की कृपा होगी, तो वो लक्ष्मी जी कहाँ से आएंगी, आपके घर से जाएंगी। हाँ, आप चाहते हैं कि ना जाएं तो बस एक रास्ता है, धर्म करिए, वो धर्म धन अगर धर्म कराने लगे तो फिर सुख होगा, दुख नहीं होगा। योगेश पौराणिक जी ने पूछा है कि स्वप्न क्यों आते हैं, सुबह के स्वप्न ही सच क्यों होते हैं,
स्वप्न के विषय में मैंने कई बार बताया, आज पुनः आपके सवाल पर बता देता हूं, स्वप्न आते क्यों हैं। कई बार हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी सब घटना जो भी आप देख रहे हैं, ये प्रत्येक घटना वातावरण में अणु अणु में विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है। अब जब हम सोते हैं, दिन भर हम अपने बारे में सोचते रहते हैं, जब हम सोते हैं यानी मृत होते हैं, मर जाते हैं, सोने का अर्थ मरना होता है, मर गए, तो उस अवस्था में हमारी जो चैतन्यता है वो कभी नहीं मरती, हमारी आत्मा हमारा मन कभी मरता नहीं, चूंकि वो इस समय इसी शरीर में है और इसी शरीर के लिए केवल सोच रहा है, इसी शरीर की बातें वो जान रहा है, इसी शरीर से वो घुला मिला है। और जैसे ही हम सोते हैं तो वो बाहर निकल आता है। और ये स्वप्न आते कब हैं, तो सुसुप्ति अवस्था में, जो बहुत गहरा सोया हो उसको, और जो एकदम से हल्की नींद हो उसको नहीं, बीच का जो समय होता है सुसुप्ति अवस्था, बहुत न सोए हों बहुत न जगे हों, बीच का जो समय होता है यही सुसुप्ति अवस्था है, जिसमें व्यक्ति बहुत हल्की नींद में होता है और फिर वो घटनाएं व्यक्ति को आंखों के माध्यम से दिखाई पड़ने लगती हैं। अब चूंकि ये जो आत्मा है वो अजर है, अमर है, वो कभी मरती नहीं, तो हमारे लिए ही वो देखती है, लेकिन बिल्कुल हमारे लिए नहीं देख पाती। जैसे ही वो शरीर से बाहर निकलती है, वो है तो इसी शरीर की, इस समय वो इस शरीर से बंधी हुई है, लेकिन थोड़े देर के लिए भी वो सब कुछ इसी शरीर के लिए नहीं कर पाती। इसीलिए जो आपके स्वप्न होते हैं वो कहीं ना कहीं गूढ़ार्थ हो जाते हैं। अगर ये पूरे शरीर से आत्मा जुड़ी होती तो आपके स्वप्न गूढ़ार्थ नहीं होते, वरन घटने वाली घटनाओं को आप देख लेते। इसीलिए बहुत सात्विक रहने पर, बहुत तपस्या करने पर, आप क्या होता है, पहले के लोग क्या करते थे कि कोई राजा किसी ऋषि के पास गए, अपनी समस्या बताया और ऋषि ने क्या किया, आंखें बंद की और राजा के बारे में कहा कि तुम्हारी ये स्थिति होने वाली है, ये होने वाला है। ये आंख बंद करना क्या है, ये आंख बंद करना है सुसुप्ति अवस्था में चले जाना, सो जाना, सो करके निद्रा में सामने बैठे व्यक्ति के लिए स्वप्न देख लेना। बस इतना हमारा आज का समय, हमारा खान पान रहन सहन इतना कमजोर है कि हम उस तरह की स्थिति में नहीं है, इसीलिए हम अपने स्वप्न को गूढ़ देखते हैं। होता है कुछ है, दिखाई कुछ और पड़ता है। अब जरा कैसा स्वप्न है कि स्वप्न में देखा कि हमको कोई मार रहा है और सुबह उठे तो कुछ दिनों बाद जयमाल की स्थिति आई, उल्टा दिखता है, गूढ़ रहस्यों में फंस करके दिखता है, ये उसकी अपनी मूक भाषा, उसमें वो देख लेता है। अब आपने लिखा कि स्वप्न सुबह के ही क्यों सच होते हैं, उस समय सूर्योदय बहुत करीब होता है। कई बार कई भी पुराने जो ग्रंथ हैं उसमें लिखा है कि दिन के सपने सच सच नहीं होते, लेकिन मैंने अपने ऊपर, मैं दूसरे का प्रमाण नहीं दूंगा, मैंने अपने ऊपर घटाया है कि दिन का जो सपना है वो एक दिन में उसी दिन शाम तक या अगले दिन तक घटित हो जाता है, उसी दिन शाम तक या अगले दिन तक घटित हो जाता है, यानी दिन सोने का समय है नहीं, जब उसमें आप सोए तो वो वातावरण से सीधा, क्योंकि हम बिल्कुल गहरी नींद में भी नहीं जा सकते रात्रि वाला, तो उस समय क्या होता है कि स्वप्न आया और वो तुरंत ही बता देता है। अब यही आपके ऊपर निर्भर करता है, आपका भोजन कैसा है, आप कितने सात्विक हैं, जितने आप सात्विक होंगे आपका स्वप्न उतना ही प्रभावशाली और तुरंत पता चल जाने वाला होगा, बल्कि आपको सब कुछ बता देगा। मंजीत जी ने पूछा है कि हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, भगवान का, ग्रहों का, अगर भगवान ने हमें बनाया तो उनसे ज्यादा ग्रहों का प्रभाव क्यों है। हमारे जीवन पर ग्रहों का, भगवान का, दोनों का नहीं, हमारे कर्मों का प्रभाव पड़ता है, हमेशा याद रखिए। ना आपको भगवान कुछ करते हैं, न ग्रह कुछ करते हैं, दोनों कुछ नहीं करते। हमारे कर्म जो कि हम आज के समय में कर रहे हैं, बार बार लोगों से मैं ये कहता हूं कि हमारे भाग्य के निर्माता हम हैं। आज जो हम कर रहे हैं, ज्ञात अथवा अज्ञात अवस्था में अपने भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। अब अगर आपके साथ जो घटित हो रहा है या हो रहा है, तो उसमें न तो ग्रह कुछ करते हैं और न ही भगवान। इसका एक बड़ा सीधा सरल सा उदाहरण है कि आपदा माप तंती नाम हितोप्यायाति हेतुताम, आपके सबसे हितैषी कौन, तो आपके भगवान, आपके ग्रह नक्षत्र, ये सबसे ज्यादा हितैषी हैं। आप पूछेंगे कैसे, क्योंकि भगवान हमारे भीतर हैं, ग्रह नक्षत्र हमारे भीतर हैं, क्योंकि यत् पिंडम तत् ब्रह्मांडम, जो यहां है वो इस ब्रह्मांड में है, तो अपने ही शरीर को कोई नुकसान क्यों पहुंचाएगा। फिर तो मातृजंघा ही वत्सस्य स्तंभी भवति बंधने, ग्वाला दूध दुहते समय गाय के बछड़े को
तत्क्षण गाय के सम्मुख बांधे ताकि गाय बच्चे को प्रेम करती रहे और इधर दूध फट से दूह ले, तो क्या करता है कि बच्चे को गाय के आगे वाले पैर में बांध देता है। तो मातृ जंघा ही वत्सस्य स्तंभी भवति बंधने, कारण बन गया क्या, उस नवजात बच्चे के लिए दूध से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं था, लेकिन मां का अगला पैर ही दूध से उसको दूर करने में कारण बन गया, इतना ही है। तो समझ लीजिए वो ग्रह नक्षत्र वो भगवान हमारे सबसे प्रिय हैं, वो तो बस कारण बन जाते हैं। राघवेंद्र पूजर जी ने पूछा है, सनातन धर्म में माथे पर सिंदूर एवं तिलक लगाने का क्या प्रतीक है? यहां पर तीसरा नेत्र है, इसी को जागृत करने के लिए, यहां तपता रहता है उसको शीतल करने के लिए चंदन लगाया जाता है, चंदन बहुत शीतल होता है और यहां लगा करके इसे शीतल किया जाता है, शीतल रखने के लिए यहां पर तिलक लगाया जाता है। भगवान शिव को आपने यहां पर देखा है तीसरा नेत्र, हम सबके यहां पर तीसरा नेत्र है, वो दबा हुआ है, भगवान शिव ने अपने तपोबल से उसको बाहर कर लिया, हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये अग्नि यहां है तो उसी अग्नि को शांत करने के लिए हम चंदन शीतल चंदन लगाते हैं। शक्ति भूषण जी ने पूछा है कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने, क्या सिर्फ भगवान श्री राम नाम ले लेने मात्र से ही विष्णु सहस्र नाम के पाठ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है? राम नाम जपने की कोई विशेष विधि है? किस प्रकार मन को प्रभु की भक्ति में लगाया जाए, ध्यान भंग करने के कारण बहुतायत में मौजूद हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूं, राम नाम रमंति योगिनो यत्र, भगवान राम के नाम ले लेने मात्र से भी सब कुछ हो सकता है, तो बस कोई विशेष विधि नहीं, यही तो है राम नाम, ऐसा है कि इसके लिए कोई विधि नहीं, हर समय जब इच्छा हो जब मन हो आप इसका जप पूजा पाठ तप कर सकते हैं, इसका लाभ आपको मिल जाएगा, और न भी मन लगता हो तब भी राम नाम का आप जप करिए, आपको लाभ उसका मिलेगा ही मिलेगा। बाबूराम मौर्य जी ने पूछा है कि वेदों के छह अंग हैं, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, जिसमें ज्योतिष नेत्र है व्याकरण मुख है, बाकी के बचे चार शास्त्र कौन कौन से अंग हैं? तो शिक्षा आपने लिखा है अंग, शिक्षा शिक्षा जो है वो नासिका है, घ्राण नासिका, कल्प जो है वो हाथ है, और छंद जो है वो पैर है, और निरुक्त जो है वो कान है। आपने जिस क्रम से लिखा है उसी क्रम से मैं आपको बता देता हूं, आपने पहले लिखा है शिक्षा, तो शिक्षा जो है वो नासिका है, कल्प जो है वो हाथ है, व्याकरण मुख है, निरुक्त जो है वो कान है, छंद जो है वो पैर है, ज्योतिष जो है वो नेत्र है। अजय सिंह जी ने पूछा कि सामुद्रिक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में श्रेष्ठ कौन है तुलनात्मक दृष्टि से? तुलना यहां है ही नहीं, दोनों के दोनों अपने आप में श्रेष्ठ हैं, दोनों के दोनों, क्योंकि इस प्रकृति ने केवल कौन कहता है हाथ और कण कौन कहता है जन्म कुंडली के ग्रह नक्षत्र, रोम रोम पर, मैं बार बार कहता हूं रोम रोम पर आपका भविष्य लिखा हुआ है, बस वो पारखी निगाह होनी चाहिए, आपके शौच करने पर आपके मलमूत्र त्याग करने में भी आपका भविष्य दिखाई पड़ जाता है, बस वो पारखी निगाह होनी चाहिए। प्रकृति ने हर जगह हमारा भविष्य लिख रखा है, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए, हर जगह हमारा भविष्य लिखा है, हर जगह ये कहा है भगवान ने, क्या कहा कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो और मैं हर जगह हूं, कण कण में व्याप्त हूं, सामने हूं तुम्हारे, बस ढूंढ लो। मानव भटक रहा है, वो जानता है कि कण कण में है, अपने भीतर है, हम में तुम में खड़ग खंभ में, लेकिन ढूंढे जा रहा है या पता नहीं ढूंढ भी रहा है कि नहीं, तो वो हर जगह, तो हर कोई इसमें तुलनात्मक दृष्टि है ही नहीं, क्योंकि प्रकृति ने हर जगह ही हमारा भविष्य लिखा है। अब चूंकि प्रचलन में ज्यादा ज्योतिष शास्त्र है इसलिए लगता है यही बड़ा, अन्यथा सब के सब बराबर ही है। आगे बढ़ते हैं, ऋतु कुल श्रेष्ठ जी ने पूछा है कि माता पिताजी पिंडदान के लिए गया जाने में समर्थ न हो तो क्या हम पति पत्नी गया जाकर अपने पूर्वजों का पिंडदान कर सकते हैं? अगर तिथि नहीं पता हो तो किस तिथि के दिन सभी पूर्वजों का पिंडदान करें? तिथि पता ना हो तो अमावस्या के दिन कर दीजिए, लेकिन अगर माता पिता जीवित हैं तो उचित होता कि उन्हीं को किसी तरह से ले जाया जाता, मना करके अगर नहीं मान रहे हैं तो मना करके सहारा दे करके उनसे कराते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि उनके जीवित रहते आप लोगों का जाना उचित नहीं होगा, तो उचित तो ये है कि वो जाते साथ में आपके। अब मैं तो यही कहूँगा, हो सकता है कोई कारण ऐसी हो कि वो न जाना चाहते हो, लेकिन अगर जाते तो उन्हीं को ले जाइए, ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। आशीष सक्सेजना जी ने पूछा है कि रोजमर्रा की दिनचर्या में अनजाने में हमसे कुछ न कुछ गलत होता रहता है, जैसे पैर के नीचे चींटियां मर जाती हैं, घर दुकान में चूहे कॉकरोच इत्यादि मरते हैं, लोगों से व्यवसायिक गतिविधियों में झूठ बोलते हैं, तो क्या यह पाप की श्रेणी में आता है? हमारे जीवन का पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका प्रायश्चित कैसे होगा? देखिए, रोजमर्रा के जीवन में होने वाली सब छोटी छोटी बातें निश्चय ही पाप की श्रेणी में आती हैं, इसी के लिए
संध्या विधि बनाई गई है जिसमें हम गायत्री मंत्र जप करते हैं और दिन में होने वाले जो हमसे छोटे मोटे पाप हैं, दोष हैं, क्योंकि मानो ये जो जीवन है सर्वाधिक श्रेष्ठतम गो मनुष्य इत्यादि जो जीवन हमको प्राप्त हुआ है वो सर्वाधिक श्रेष्ठ है, इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। एक दूसरा, अगर सामान्यतया कोई जीव जंतु इत्यादि अगर वो मरेंगे तो निश्चय ही आपके पुण्य को वो क्षय कर देंगे और उनको मुक्ति मिल जाएगी, वो दूसरे योनि में आ जाएंगे। लेकिन इससे बचने के लिए प्रतिदिन गायत्री मंत्र का एक माला जप कर लेना चाहिए, इस पाप इत्यादि से आप बच जाएंगे। पंकज भंडारी जी ने पूछा कि भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म करते जाओ, तो कर्मों के द्वारा हम प्रारब्ध को पूरी तरह से नहीं बदल सकते, आप भी कहते हैं कि प्रारब्ध बहुत जरूरी है, कर्मों के द्वारा प्रारब्ध बदला जा सकता है? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि जो अवश्यम भावी है या जो हमारा कर्म है वो बिना भोगे तो नहीं खत्म हो सकता, लेकिन अच्छे कर्मों से, श्रेष्ठ कर्मों से, धर्म इत्यादि कर्मों से हम एक कवच का निर्माण कर लेते हैं, अपने चारों तरफ एक गोल घेरा बना लेते हैं और उस गोल घेरे में हम खड़े हो जाएंगे। अब जब वो बुरा वक्त आएगा तो हमारे कवच से टकराएगा, हमारे कवच को छेद देगा, भेद देगा, हम उसमें सुरक्षित बच जाएंगे। अतः उचित यही है कि जब आप कर्म कर रहे हो तो कर्म करते जाइए, श्रेष्ठ कर्म करते जाइए, निश्चय ही प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा, बिना भोगे खत्म नहीं होगा, बिना भोगे खत्म नहीं होगा। अवश्यम भावी भावानाम प्रतिकारो भवेद यदि प्रतिकुर्युर न किमनु नम नलराम युधिष्ठिर। अवश्यम भावी का प्रतिकार होता तो नलराम और युधिष्ठिर जैसे महान प्रतापी राजा न करते, नहीं हो सकता, वो तो भोगना ही है, भोगना होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है कि भगवान की शरण में रहेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, समस्या अपने आप कट जाएगी। मंजीत कुमार जी ने पूछा है कि मृत्यु कैसे होगी, एक्सीडेंट, लंबी रोग, अचानक से जल में डूबकर, आत्महत्या, आग लगकर, कैसे जाने? बहुत ऐसे लोग होते हैं जो सोते समय ही उनकी मृत्यु हो जाती है, कोई बहुत तड़प तड़प कर मरता है, ऐसा क्यों? यह भी प्रारब्ध है। यह समाज चये न चयथा चयदा चयच, आपने सब कुछ पूर्व में ही लिखवा रखा है, आपने आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतान्य प्रसृज्यन्ति गर्भस्थस्यैव देहिनः, गर्भ में ही लिखवा लिया है। अब कैसे आपकी मृत्यु होगी, आपके कर्म इसको तय करते हैं, और उसमें अब तड़प के मरना या शांति से देह त्याग करना, ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए कई सारी बातें बताई हुई हैं। पाप ग्रहों की दृष्टि अष्टम भाव पर, मंगल इत्यादि जो देव ग्रह हैं, अग्नि इत्यादि से मृत्यु के कारक बनते हैं, राहु इत्यादि चोट चपेट एक्सीडेंट से मृत्यु के कारक, वहीं शुभ ग्रह की स्थिति या युति या दृष्टि आपको शांति से गंगाजल मुंह में लेते हुए मृत्यु को प्राप्त करा देती है। अंतर इतना ही है कि ये सब प्रारब्ध कर्म है और कर्म के फलस्वरूप ही आपको अपनी मृत्यु का वर्णन करना होता है। प्रिय दर्शकों, समय आप सभी देख रहे हैं बहुत हो गया है, इतना लंबा समय बहुत हो चुका है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं जितने प्रश्न मैं ले सकता था ले लिया हूं। यहां एक अनाउंसमेंट कर देता हूं, आज मैं आप सबों के सारे पिछले प्रश्नों को देख रहा था, उसमें कई ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत श्रेष्ठ हैं, अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न हैं, उनको वो छूट गए हैं, शायद आप लोगों ने बाद में दिया या जो भी, वो सार्वभौमिक प्रश्न छूट गए हैं। अगला जो सप्ताह आ रहा है रविवार का, उस सप्ताह मैं आप लोगों से प्रश्न नहीं लूंगा, उस सप्ताह ये जो पिछले दिनों इतने सारे सवाल छूटे हैं, सवाल जाया ना चले जाएं, उन सवालों को ही लेकर के मैं आप सबके सम्मुख हाजिर होऊंगा और उन सवालों का जवाब दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।